इसी के साथ रुक करते हैं सुबह की बड़ी खबर का। बड़ी खबर लखनऊ से जो है, आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन, बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिले महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह। पार्टी के कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी। निकाय चुनाव के लिए दिए जा रहे आवेदन 18 दिसंबर तक। प्रदेश कार्यालय में चलेंगी बैठक। सहकारिता प्रकोष्ठ जिला व समितियों की हो रही बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन, बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिले महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह। पार्टी के कई अहम फैसलों पर होगी चर्चा। निकाय चुनाव के लिए दिए जा रहे आवेदन 18 दिसंबर तक। प्रदेश कार्यालय में चलेगी बैठक। सहकारिता प्रकोष्ठ जिला व समितियों की हो रही बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसी के साथ हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए जो है नामांकन लिए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह कार्यकर्ताओं से मिले हैं। पार्टी के अहम कई फैसलों पर चर्चा भी की गई है। निकाय चुनाव के लिए अभी आवेदन भी दिए जा रहे हैं। 18 दिसंबर तक प्रदेश कार्यालय में ये बैठकों का दौर बदस्तूर जारी रहेगा। आज सहकारिता प्रकोष्ठ और जिला समितियों की बैठक हो रही है। साफ तौर पर जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में लोगों का, प्रत्याशियों का चयन होना है, और स्क्रीनिंग कमेटी, पहले भी भूपेंद्र चौधरी जी ने ये बात को स्पष्ट किया है, स्क्रीनिंग कमेटी के तहत यहाँ पर तय होगा कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे समावेश किया जाए, जो दो बार से पार्षद रह चुके हैं उनके ऊपर भी एक बात ये चले कि दो बार से पार्षद रहे पार्षद पति या पार्षद पत्नियों पर दोबारा उनको टिकट नहीं दिया जाए, इस पर भी मंथन चल रहा। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के बैठक चल रही है और 18 दिसंबर तक लगातार बैठक चलेगी। फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जिस तरह से चुनाव की तारीख की घोषणा होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, तो आने वाले समय में जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को लेकर के मंथन लगातार जारी है और रिज्यूम्स जो है, जो बायोडाटा है, वो लिए जा रहे हैं। ऐसे में इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और लगातार बैठकें चलती रहेंगे। जी जी, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आगाज जो है वो शुरू हो गया है निकाय चुनाव का, और अब पार्टी जो है अब अलर्ट और एक्टिव मोड पर आकर अब जो भी है आने वाले समय में जो भी निर्णय लेना होंगे, जो भी डिसीजन लेना होंगे, वो पार्टी के द्वारा लिए जाएंगे। निश्चित तौर पर कनक लगते हुआ कि जिस तरह से आप चुनाव का आगाज है, स्थानीय निकाय चुनाव का आगाज है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो शिकस्त हुई, इसकी समीक्षा करके आने वाले चुनाव में इस तरह की गलतियां ना हो, क्या खामियां रह गई थी, क्या चूक हो गई थी, जिसके कारण जो खतौली और रामपुर की सीट, रामपुर तो चले निकाल लिया, खतौली और मैनपुरी की सीट में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा था। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता की लकीरें जो है वो ये है कि आखिर हमारे फेलियर कहाँ हो रहा है, इसकी समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है और क्यों इस तरह की स्थितियां आई, आने वाले चुनाव में ऐसी स्थितियां ना आए, इसको लेकर मंथन जारी है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई हमने।